क्वेश्चन बताना। हजरत प्रहलाद किसका बेटा था? हरनाकश का बेटा था। ठीक है, बैठ। हेलो, तेरा कोई क्वेश्चन है? मैं पूछूं? भगत प्रहलाद की रक्षा परमात्मा ने किवें की थी? हवा चलाकर। नहीं नहीं नहीं, वो तो होलिका जी वेले हुई, बाद में जदों उसके पिता उन्हें मारन लगे तो फिर किवें रक्षा हुई? परमात्मा किस रूप में आ गए? नरसी ही रूप दे, नरसी रूप परमात्मा का एक नाम नरसी है, वो नरसी रूप। हाँ जी बेटा बताओगे? भद्र प्रहलाद की रक्षा कैसे हुई? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। भद्र प्रहलाद की रक्षा कैसे हुई? हिरण्य कश्यप तो उसके पिता का नाम था। अच्छा, उसको गोदी में लेके कौन मारना चाहता था, वो कौन थी? हाँ जी, होलिका। होलिका कौन थी, उसकी क्या लगती है? बुआ। शाबाश, अभी टॉपिक मिल गया आपको। बस जब उसको पढ़ने के लिए भेजा तो वो क्या कहता था? भक्त प्रहलाद क्या कहते थे? वो कहता था कश्यप ये कहता था। भक्त प्रहलाद क्या कहते थे? भक्त प्रहलाद कहता था कि परमात्मा कोई और है, परमात्मा तो और है जिसने सबको बनाया है, मेरा पिता परमात्मा नहीं है। और तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, किसी कुछ पूछना है? भक्त प्रहलाद कितने साल का था? उस 5 साल। भक्त प्रहलाद 5 साल का था जब उसको पढ़ने के लिए भेजा। जैसे उसने पढ़ने से इनकार कर दिया कि मैं आपको नहीं परमात्मा मानता, तो उसकी शिकायत हो गई, फिर उसको पढ़ने से हटा लिया और फिर उसको कहा कि मेरा तो परमात्मा क्या है, नहीं तो फिर सबको मार दिया जाएगा। वो डरता नहीं घबराता नहीं, उस पर परमात्मा रखी करेगी। उसके बाद उसको उस पर जुलम करते जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। बोलो भगत प्रहलाद कितने साल दस रुपये में पढ़ने पाया जी? 5 ईयर्स। फिर उसको की कहता जी जब उन्होंने क्या कि तू परमात्मा मेरे पिता तेरे पिता परमात्मा ने यह जपना? फिर वो की कहता सी? की कहता सी? परमात्मा कोई परमात्मा कोई और है, कोई और है जिसने सब नु बनाया, तुम नहीं हो, तुसी नहीं हो, है ना? पिता ने कहता सी तुसी परमात्मा की नहीं हो सकते, परमात्मा ने सब नु बनाया। परमात्मा